देख रहे हैं हरियाणा रथ की पेशकश एचआर न्यूज। मैं मोहनलाल आपको आज का कोरोना अपडेट देते हैं जो हमारे पास आया है। लेकिन आपको बता देते हैं, पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से राहत मिल रही थी कोरोना केसों में, आज एक बार फिर कोरोना ने रेवाड़ी जिले में छलांग लगाई है और ये छलांग एक बार फिर कहीं ना कहीं चिंताजनक है। आपको बता दें, आज रेवाड़ी के अंदर 46 कोरोना पॉजिटिव के नए केस मिले हैं, तो जाहिर है कितनी बड़ी चिंता है। हम आपको बार बार ये बता रहे थे, कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए हमें प्रयास करने हैं, लेकिन ये प्रयास पिछले 3-4 दिनों में नाकाफी नजर आए, क्योंकि राहत जरूर महसूस हुई थी कि केसों में गिरावट आई थी, लेकिन आज एकाएक जो छलांग लगाई है उसने फिर चिंता बढ़ा दी है। और आज दोनों जगह छलांग लगाई है, जो कोरोना के नए केस मिले हैं उनमें भी छलांग लगी है और 46 यानी कि 46 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, साथ ही 10 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर के अपने घर गए हैं। तो जाहिर है एचआर न्यूज बार बार ही आपको बता रहा था कि इस चैन को तोड़ने के लिए हमें एकजुट होकर के आगे आना पड़ेगा। वो प्रयास कहीं ना कहीं पिछले 4 दिनों में जो हमने देखा था कि थोड़े कम हुए थे, लेकिन आज एकाएक बुधवार को फिर जो छलांग लगाई है वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा गया है। तो लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों ने फिर जो नियम और पालन है उसका उल्लंघन किया और उसका नतीजा कहीं ना कहीं हमें सामने मिल रहा है। आपको बता दें, रेवाड़ी में अब तक 12,587 लोगों के सैंपल लिए गए हैं और 12,587 में 1152 यानी कि लोग कोरोना पॉजिटिव केस हमें मिले हैं, जिसमें 719 नागरिक जो कोरोना से संक्रमण से वो ठीक होकर के अपने घर चले गए हैं। जाहिर है ये अच्छी खबर है कि यानी कि 50% से ज्यादा लोग ठीक होकर के अपने घर चले गए और अभी भी 425 एक्टिव केस है रेवाड़ी जिले के अंदर। तो ये चिंता भी है कि कहीं ना कहीं अभी जो हम सोच रहे थे कि इस चैन को हम तोड़ देंगे, उसमें हम कहीं ना कहीं अभी कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं और हमें चिंता भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक एक कोरोना की चैन नहीं टूटेगी तो एक कोरोना रूपी राक्षस हमारे घर के बाहर खड़ा रहेगा और ना हम चैन से जी पाएंगे, ना हम त्योहारों का आनंद ले पाएंगे, ना ही हम कुछ खा पाएंगे और ना ही हम चैन से सो पाएंगे। तो जाहिर है इस चैन को तोड़ने के लिए हमें अच्छे प्रयास करने पड़ेंगे और नियम के तरीके से करने पड़ेंगे। अपने आप को विश्वास में लेना पड़ेगा कि इस चैन को तोड़ने के लिए हमें आगे आना है। साथ ही आपको बता दें कि जितने भी जो सैंपल लिए गए हैं उसमें अब तक 10,240 लोगों की रिपोर्ट यानी कि नेगेटिव भी आई है। जो हमने आपको सवेरे आंकड़ा ऊपर जो आंकड़ा बताया था हमने 12,587 का, उसमें 10,240 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 1195 सैंपल का अभी भी हमें इंतजार है। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं, रेवाड़ी में अब तक 8 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। हालांकि ये रेशा रेवाड़ी जिले में 1% से भी कम आ रहा है, लेकिन चिंता है कि 8 लोगों की हमारे यहाँ जो है मौत हो चुकी है, ये भी कहीं ना कहीं चिंता है। साथ ही हम आपको बताएं, जितने भी सुझाव प्रशासन को दिए गए तो लगता है पिछले 4 दिनों में प्रशासन ने कहीं भी किसी भी जो है जो हमने सुझाव दिए थे कि चैन को कैसा तोड़ा जाए, उसमें कहीं भी अभी तक कोशिश के प्रयास यानी कि प्रयास नहीं किए गए कि उस चैन को तोड़ा जाए, ना ही शासन प्रशासन की ओर से कोई कोशिश की गई है। हमने एक सवाल उठाया था बाजार के अंदर 4 व्हीकल की एंट्री बैन हो, लेकिन आज भी बेदस्तूर यानी कि 2 दिन के बाद जब बाजार खुला है तो वही स्थिति बाजार के अंदर कमोबेश है कि 4 पहिए की गाड़ी खुलेआम बेरोक टोक घुस रही है, जिससे बाजार में जाम की स्थिति पैदा होती है और कोरोना के केसों को संक्रमण के जो बढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसका भी योगदान होता है। कई सारे जो सुझाव दिए गए थे वो सुझावों पे अभी तक अमल नहीं हो पाया, ना ही उस ओर प्रयास किए गए हैं। तो जाहिर है बाजार से एक लगातार मांग उठ रही थी कि इस चैन को तोड़ने के लिए शासन प्रशासन को चाहिए कि 5-7-10 दिनों का लंबा एक बैन किया जाए बाजार के अंदर, यानी कि इस बाजार को बंद किया जाए किसी भी तरीके से कोरोना की चैन टूटे। तो लगता है वो प्रयास अभी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो जाहिर है चिंता लगातार, ये कोरोना हमारी बढ़ा रहा है, दिन प्रतिदिन जो केस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आज छलांग लगाई फिर कल के लिए चिंता हो गई, और जैसा कि पिछले 4 दिनों से कोरोना के केस कम आ रहे थे उसने राहत दी थी, लेकिन आज एक बार बुधवार को फिर लोगों के दिमागी की टेंशन यानी कि बढ़ा दी है।
लोगों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं बाजार के अंदर जब आप निकलेंगे तो नजर आएगी कि लोग भी बिना मास्क लगाए खुलेआम घूम रहे हैं, यानी कि नियमों का पालन कहीं भी नहीं किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। फिलहाल हम आपको कुछ और खबर से भी अपडेट कर देते हैं कि जैसा कि आपको बता दें मानसून आ चुका है और लगातार आप देख रहे होंगे दो तीन दिनों से रिमझिम करके बारिश आ रही है, आज भी बारिश आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब शासन प्रशासन के संज्ञान में बार बार ये ला दिया गया कि नालों की सफाई अब तक नहीं हुई है, सर्कुलर रोड के नाले हो चाहे बाजार के नाले हो, खुलेआम आप देख सकते हैं जरा सी बारिश के अंदर भर जाते हैं, आम आदमी इसको लेकर के बेहद परेशान है। ये भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा है कि जो शासन प्रशासन को करना चाहिए वो कहीं ना कहीं कोरोना की आड़ में छिपकर, तमाम जो महकमे के अधिकारी हैं जिन जिन की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं इस कोरोना की आड़ लेकर के सीधा एक बहाना बना देते हैं कि हम इस वक्त कोरोना में लगे हुए हैं तो नालों की सफाई नहीं हुई। लेकिन आम जन को कितनी परेशानी होती है ये सोचने वाली बात है। एक और कोरोना मुसीबत बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ जो आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए चाहे सफाई व्यवस्था की हो, चाहे टूटे हुए नालों की हो, चाहे नालों में भरे गंदगी की हो, चाहे जाल की हो, कोई भी समस्या का हल हो नहीं पा रहा है और न ही शासन प्रशासन इस ओर पूरी तरीके से ध्यान दे पा रहा है। तो आपको बता दें इस चैन को तोड़ने के लिए हम सबको एक प्रण लेना होगा कि हम नियमों का पालन करें, बाजार में बेवजह ना निकले, क्योंकि आज जो कोरोना ने छलांग लगाई है कल के लिए फिर एक बार चिंता बढ़ा दी है। तो जाहिर है इस चैन को तोड़ने के लिए हम सबको आगे आना होगा और नियम के अनुसार मुंह पर मास्क लगा के बाजार में निकलना होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमें बार बार साबुन से हाथ धोते रहना है, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है और जो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं वहां भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुख्ता इंतजाम नहीं है। कल भी हम आपको बताएं लगातार स्वास्थ्य विभाग से कुछ लोग लगातार फोन करते रहे, आखिर हार करके रात को 10:30-11 बजे जब जिला उपायुक्त महोदय से बात हुई तब यानी कि उस महिला को कहीं ना कहीं मेडिकल सुविधा मिल पाई। आपको बता दें वो महिला लगातार वहां परेशान है और बार बार एचआर न्यूज को वो फोन कर रही थी कि यहाँ रात भर मच्छर खाते रहे, सुविधाओं की कोई यानी कि व्यवस्था नहीं है, पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। तीसरी मंजिल पर कोरोना वार्ड बनाया गया है जहां वो मियां बीबी वहां दोनों कोरोना पॉजिटिव जो है। और आपको साथ में ये भी बता दें उस महिला का 3 महीना का जो गर्भ है उसका भी अबॉर्शन कहीं ना कहीं हो गया, तो ये उसके लिए भी वो बड़ी चिंता है। और एचआर न्यूज को बार बार फोन करके रोती रही, आखिर हार के एचआर न्यूज को रात 10:30-11 बजे जिला उपायुक्त से बात करनी पड़ी, तब जाकर के कहीं उसको सेवाएं मिल पाई। तो ये एक चिंता का विषय है कि स्वास्थ्य विभाग को कहीं ना कहीं सख्त होना होगा। जिस तरीके से कोरोना वॉरियर का इनको रूप दिया गया है, स्वास्थ्य हमारे डॉक्टरों को, उन डॉक्टरों को चाहिए कि वो पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाएं और आनाकानी ना करें, क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव है वो जानबूझ के तो आया नहीं है और उसको कहीं ना कहीं जो सरकार ने सुविधा मुहैया कराई है वो उनको देने का प्रयास करे। तो आपको बताएं लगातार कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए हम सबको एकजुट होकर के आगे आना होगा और तभी हम इस कोरोना की चैन को तोड़ पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर किसी नए बुलेटिन के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।